हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग लाभ हानि मतलब प्रॉफिट एंड लॉस का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। और एक पार्ट हम लोग इसका पढ़ चुके हैं और इसके बाद एक पार्ट और है और जो कि इसके बाद आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, ये पार्ट अभी आपको मिल जाएगा और दूसरा पार्ट जो है ये आपको शाम को 7:30 बजे आज ही इसका प्रॉफिट एंड लॉस का सेकेंड पार्ट भी आपको मतलब थर्ड पार्ट भी आपको मिल जाएगा और आपका प्रॉफिट एंड लॉस है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों के यहाँ पर देखिए सारी चीजें मैंने तैयार कर ली हैं। पहली वीडियो अभी आपको मिल जाएगी, दूसरी आपको 7:30 बजे शाम को मिल जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन देखिए हमारे एक व्यूअर हैं, उन्होंने ये पूछा था मुझसे कमेंट में। मुझे नाम नहीं याद आ रहा, उनका नाम कुछ पता नहीं, ग्रोइंग फ्यूचर करके उनकी आईडी का नाम था, तो मुझे पता नहीं है कौन है वो। ठीक है, उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था जो मैं कल नहीं बता पाया था, मैंने ध्यान नहीं दिया था वीडियो बनाते समय, तो आज मैं इसमें शामिल किया ले रहा हूँ, आप लोग भी इसको देख लीजिए। इसमें था क्वेश्चन था, जतिन बाइज एन आर्टिकल फॉर 10% लेस देन इट्स वैल्यू एंड सेल्स इट फॉर 10% मोर देन इट्स वैल्यू, हिज गेन इज, तो हिज गेन गेन परसेंट यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, जतिन ने एक आर्टिकल जो कि 10% अपने मूल्य मतलब उस आर्टिकल का जितना मूल्य था उससे 10% कम में खरीदा। ठीक है, और उसको जो बेचा तो 10% ज्यादा का बेच दिया, तो इतने में उसको कितना मतलब लाभ हुआ, लाभ प्रतिशत कितना हुआ है वही यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, लाभ सिर्फ यहाँ पे लिखा लाभ है लेकिन लाभ प्रतिशत इसमें निकाला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जतिन भाई, तो जतिन ने एक आर्टिकल जो खरीदा, तो आर्टिकल का जो ठीक है आर्टिकल का मूल्य जो नॉर्मल मूल्य था वो मान लीजिए ₹100 था। ठीक है, ₹100, इसको क्रय मूल्य नहीं कहेंगे क्योंकि जो जतिन ने खरीदा था वो 10% कम में खरीदा था, तो जतिन ने खरीदा था जतिन के लिए क्रय मूल्य, ठीक, जो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस, ठीक, सीपी लिखे दे रहे, कॉस्ट प्राइस, ठीक, कॉस्ट प्राइस कितनी थी कि उस आर्टिकल को 10% कम में लिया था, तो ₹100 का तो इसकी वैल्यू थी यक्स का 10%। ठीक, सीपी जो थी सॉरी कम में लिया था, तो यक्स माइनस, ठीक, यक्स में से यक्स का 10%। ठीक है, यक्स तो टोटल इसका मूल्य था, उतने मूल्य में से यक्स का 10% कम लिया था, इसी का 10% कम लिया था, तो कितना आएगा 10%, सीपी कितनी निकल आएगी, यक्स माइनस यक्स मल्टीप्लाई 10/100, 0 0 कट जाएगा, यहां पे बचेगा आपका यक्स माइनस यक्स अपॉन 10। जब इन दोनों का एलसीएम लेंगे आप तो ये बचेगा यहां पर 10 LCM नीचे हो जाएगा और यहाँ पे 10 की मल्टीप्लाई इसके साथ, तो 10x माइनस x, तो ये हो जाएगा 9x/10, ये आपका हो जाएगा सीपी, कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य हो जाएगा, इसका एक शॉर्ट फॉर्म भी मैं बता दूंगा लेकिन ये इस तरीके से ये पूरा सवाल लगेगा। ठीक है, ये हो गया सीपी। अब विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस, एसपी कितना हो जाएगा, एसपी होगा यक्स जितना था उससे 10% ज्यादा में बेचा, तो प्लस यक्स का 10%, ये ज्यादा में बेचा था, तो यक्स प्लस यक्स मल्टीप्लाई 10/100, 0 0 कट जाएगा, तो इधर बचेगा यक्स प्लस यक्स अपॉन 10, इनका एलसीएम ले लीजिए, 10 नीचे आएगा, 10 × 10 x, ये प्लस यक्स 11x/10। ठीक, आपकी जो एसपी आ गई मतलब सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य आ गया वो आपके आ गया 11x/10। ठीक, अब देखिए लाभ, लाभ प्रतिशत पूछा गया, तो लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, या तो एसपी माइनस सीपी, तो 11x/10 है हमारा विक्रय मूल्य और माइनस क्रय मूल्य हमारा है 9x/10। ठीक, जब इसको घटाएंगे नीचे दोनों एक समान है तो 10 हो जाएगा, ऊपर 11x-9x हो जाएगा, सीधे 2x/10 आ जाएगा, 2 × 5 = 10 बराबर x/5, तो लाभ बराबर कितना आ गया, लाभ बराबर x/5। ठीक है, x/5 आ गया। अब देखिए लाभ प्रतिशत क्या होता है, लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ गुणे 100 / क्रय मूल्य, वैल्यू रख दीजिए, लाभ हमारा x/5 है, गुणे में 100 हो जाएगा, बटे में हमारा है क्रय मूल्य कितना है 9x/10। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो x/5 × 100, अब जब इसको ये होल बटा में है, जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो 10 ऊपर हो जाएगा, 9x नीचे हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे यक्स यक्स कट गया, 5 से काटिए, 5 × 2 = 10 कट गया, तो 100 और 2 की गुणा 100 × 2/9, इसको जब करेंगे तो 200/9, इसको या तो 200/9% इसका गेन परसेंट आएगा लाभ प्रतिशत, ठीक है, या इसको लिख सकते हैं
गेन परसेंट को लिख सकते हैं 22 सही, 22 22 राइट्स 2/9%, ठीक है, 22 सही 2/9 या 22.22%, ये किसी ने इसका आंसर उसमें लिख के दिया भी था, ठीक है। तो इस तरीके से आंसर आपका लग जाएगा। और दूसरा तरीका बहुत इजी है, उसको कैसे लगाएंगे, ठीक है, 22.22 या फिर 22 सही 2/9 आ रहा है, ठीक है। इसको एक तरीके से और लगा सकते हैं कि माना आर्टिकल का मूल्य 100 रुपए है, ठीक है, 100 रुपए, उसने उसको 10% कम में खरीदा, तो 10% कम में, तो सीपी बराबर हमारी हो जाएगी, 100 में से 10 घटा दीजिए, 10% 10 ही होता है, तो 90 रुपए, ठीक, 90 रुपए सीपी हो गए, ठीक। और एसपी कितना है इसका, 10% अधिक, तो 110 रुपए हमारी एसपी हो गई, ठीक है। तो प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी, तो हो जाएगा 110 माइनस 90, यानी कि 20 रुपए, ठीक, 20 रुपए। अब निकाल लीजिए, आराम से निकल आएगा, वही प्रॉफिट परसेंट, पी परसेंट बराबर लाभ हमारा 20 है गुणे 100 बटे क्रय मूल्य हमारा कितना था, 90 रुपए। देख लीजिए वही आंसर आ गया, बिल्कुल सेम टू सेम, 200/9 यही आ रहा था। इसी तरीके से उसको सॉल्व कर लीजिए, ये बहुत ही इजी मेथड है, और ये पूरा अपना पूरे उस तरीके से आप लोग लगा सकते हैं, ये बहुत ही इजी है, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं, ठीक। अब हम लोग पढ़ेंगे आज की वीडियो में जो क्वेश्चन है उसको, ठीक है। तो मैंने कहा था तो मैंने सोचा ये बता दूं। अब देखिए इसमें आज की वीडियो में हम लोग किस तरीके से पढ़ेंगे, जब दो वस्तुएं समान मूल्य पर बेची जाए, ठीक, उससे संबंधित प्रश्न। पहले सूत्र देख लीजिए, यदि दो वस्तुएं समान मूल्य पर बेची जाए और एक वस्तु पर एक्स प्रतिशत लाभ तथा दूसरी वस्तु पर एक्स प्रतिशत हानि हो, मतलब जितना लाभ हो उतना ही हानि हो, मतलब देखो यक्स है तो यक्स है, अगर 20% लाभ हो रहा तो 20% हानि भी हो, ठीक। तो दोनों वस्तुओं पर कुल मिलाकर सदैव यक्स स्क्वायर अपॉन 100% की हानि ही होगी, ठीक। जब इतनी हानि होगी तो दोनों वस्तुओं का कुल हानि कैसे निकलेगी, दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य अपॉन में 100 अपॉन जितना प्रतिशत दिया गया हो, चाहे लाभ हो चाहे हानि, ठीक, जो प्रतिशत दिया है वो प्रतिशत का होल स्क्वायर माइनस 1। अब इसी पे देखिए दो सवाल हैं, इनको यहाँ पे लगा लेते हैं हम लोग, ठीक, इनको यहाँ पे लगा लेते हैं, पेपर हटा देते हैं जो क्वेश्चन बता दिया है उसके। अब लिखा है एक दुकानदार दो टीवी सेटों को एक ही मूल्य पर बेचता है, इसमें लिखा था समान मूल्य पर, समान मूल्य पर बेची जाए तो, ठीक है, एक ही मूल्य पर बेचता है, एक पर उसे 20% का लाभ होता है और दूसरे पर 20% की हानि होती है, तो उसे दोनों पर कुल मिलाकर कितने प्रतिशत की लाभ या हानि होगी, ठीक है। तो प्रतिशत हानि का, हानि बराबर उसमें लिखा है कि जब भी जितने प्रतिशत लाभ हो उतने प्रतिशत जब भी हानि होगी, तो हमेशा कुल मिलाकर सदैव यक्स स्क्वायर अपॉन 100% की हानि होगी, तो यक्स स्क्वायर, यक्स हमारा कितना है 20, तो 20 का स्क्वायर अपॉन 100 की प्रतिशत की हानि होगी हमेशा, तो ये हो जाएगा 400/100, 0 0 कट गया, 0 0 कट गया, मतलब 4% की हानि होगी, ठीक, हमेशा हानि होती है ऐसे में, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए। इसमें कहा गया एक व्यक्ति ने दो साइकिलों में से प्रत्येक को 1200 रुपए में बेचा है, एक साइकिल पर उसे 25% लाभ तथा दूसरी साइकिल पर 25% की हानि हुई है, दोनों पर मिलाकर उसे कितने प्रतिशत की लाभ या हानि हुई है, दोनों पर कुल लाभ या हानि भी ज्ञात करो। तो ये तो प्रतिशत लाभ, लाभ और हानि, तो हमेशा जब भी बराबर बराबर परसेंट पे लाभ और हानि होती है किसी एक चीज पर, तो प्रतिशत हानि ही होती है हमेशा, हानि कितनी होती है, हानि तो हानि प्रतिशत निकाल लेंगे, उसके बाद पूछा गया लाभ तथा हानि भी ज्ञात करो, पहले तो इसको निकाल लेते हैं। तो 25 का स्क्वायर बटा 100, तो 25 गुणा 25 बटा 100, 25 चक्कू 100, तो ये हो जाएगा हमारा, जब 4 से भाग देंगे, 4 6 24 दशमलव 4 2 8, 4 5 20, तो हो जाएगा 6.25%, तो हमारा प्रतिशत जो हानि है वो आ गई 6.25, ठीक, 6.25 हमारी आ गई। अब कुल हानि के लिए, कुल हानि, हानि भी पूछी गई, तो हानि यहाँ पे क्या है, दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य, ठीक, दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य अपॉन में 100 अपॉन x का स्क्वायर माइनस 1, तो दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना है, यहाँ पे लिखा है यदि एक व्यक्ति ने दो साइकिलों में से प्रत्येक को 1200 रुपए में खरीदा, तो दोनों का जो विक्रय मूल्य है उनको जोड़ना है यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, दोनों का, तो 1200 प्लस 1200 दोनों का योग, ठीक है, अपॉन में 100 अपॉन x, मतलब जो परसेंटेज दिया गया है, तो 25 का स्क्वायर माइनस 1, ठीक, यही फार्मूला था। अब ऊपर कर लीजिए, ऊपर हो जाएगा 2400 बटे में हो जाएगा 25 चक्कू 100, तो 4 का स्क्वायर माइनस 1, ठीक, तो 2400 बटे 4 चक्कू 16 माइनस 1, तो हो जाएगा 2400/15,
15 से भाग देंगे तो देखिए पांच देख के देख लीजिए, जब भाग अरे इसको जब भी भाग देंगे तो ये आएगा सीधे सीधे आपका 160 रुपये। ठीक, इसको भाग देने पे आपका आंसर आ जाएगा 160 रुपये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट टाइप के। ठीक है, हर तरीके के दो दो क्वेश्चन यहाँ पे लगवा रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर आप इसका प्रैक्टिस क्यों नहीं करवा रहे हैं क्वेश्चंस की, तो अभी इतना टाइम नहीं है। ठीक है, टाइम होता है, 1 महीने का सिर्फ वक्त मिला है, उसमें मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितने से जितने जितने टाइप्स है वो सारे टाइप्स के क्वेश्चन करवा दिए जाए। ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस के लिए टाइम होना चाहिए, कम से कम 1 मंथ और मिलना चाहिए। अगर प्रैक्टिस के चक्कर में पड़ेंगे तो ये चीजें कोई कंप्लीट नहीं हो पाएंगी। ठीक है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ हर टाइप का आपको क्वेश्चन दो एक एक दो दो तीन तीन करवा दिया जाए, जिससे आप लोगों को एक बेस तो पता चल जाएगा कैसे क्या लगेगा। ठीक है, यदि दो वस्तुएं भिन्न भिन्न मूल पर खरीदकर समान मूल्य पर बेची जाएं और उन पर अलग अलग प्रतिशत लाभ या हानि हो तो। ठीक है, अगर अलग अलग मूल्य पर वस्तुएं खींची गए खरीदी गई और समान मूल्य पर बेच दी जाए तो उन पर अलग अलग प्रतिशत लाभ या हानि हो तो। ठीक, तो कैसे निकलेगा, पहली वस्तु का क्रय मूल्य बटे दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य बराबर 100 प्लस माइनस दूसरी वस्तु पर प्रतिशत लाभ या हानि। ठीक, ये 100 प्लस माइनस है तो 100, ये भी 100 प्लस, जैसे यहाँ पर अगर 20% लाभ हो रहा है तो 100 प्लस 20 मतलब 100, 120% लगाना होगा आगे। ठीक है, लाभ हानि ये 100 के साथ भी प्रतिशत है एक तरीके से। ठीक है, 100 प्लस और फिर है 100 प्लस बटे में 100 प्लस माइनस पहली वस्तु पर प्रतिशत लाभ या हानि। यहाँ पे लिखा है, यहाँ प्रतिशत लाभ होने पर प्लस और हानि होने पर माइनस का प्रयोग होता है, ये हमेशा आप लोग ध्यान रखिए। देखिए, एक व्यक्ति ने दो वस्तुएं एक ही मूल्य पर बेचता है, पहली वस्तु पर उसे 20% का लाभ तथा दूसरी वस्तु पर 25% का लाभ हुआ, दोनों पर लाभ हुआ है। ठीक है, यदि पहली वस्तु का क्रय मूल्य 10,000 रुपये हो तो दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो फार्मूला क्या है, पहली वस्तु का क्रय मूल्य बटे दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य बराबर। ठीक है, था क्वेश्चन था 100 प्लस माइनस दूसरी वस्तु पर, आप लोग इसको चाहें तो स्किप कर सकते हैं अगर आपको आता हो। ठीक है, लाभ लाभ इसमें है तो लाभ ही रखिए, हानि होता तो हानि, तो यहाँ पे प्लस रहेगा क्योंकि लाभ है। ठीक है, सीधे सीधे यहाँ पे लाभ है इसमें लिखा ही है तब क्या, और नीचे है 100 प्लस पहली वस्तु पर लाभ, पहली वस्तु पर प्रतिशत लाभ। ठीक, तो यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन रखा गया है इसमें देखिए आपके में क्या है, पहली वस्तु का क्रय मूल्य यहाँ पे दिया गया है 10,000 रुपये। ठीक, 10,000 है, दूसरी का मान लीजिए यक्स मान लीजिए। ठीक है, यही दूसरी का निकालना, यक्स मान लीजिए, आसानी हो जाएगी लिखने में। ठीक, बराबर 100, दूसरी वस्तु पर लाभ कितना है 25 25। ठीक है, दूसरी वस्तु पर लाभ है 25 प्लस 25 हो गया। ठीक है, 25 और ये हो गया प्रतिशत में, नहीं सॉरी 25 प्रतिशत, प्रतिशत तो ये है ही 25 रखना है। ठीक है, नीचे हो जाएगा 100 प्लस पहली पर है 20। ठीक, तो ये हो जाएगा 10,000 बटे में यक्स बराबर 125 बटा 120। अब इसको काट दीजिए, 25 से काटिए, 20 5 से काटिए, 5 दूनी 10 5 25, 5 दूनी 10 5 चक्कू 20, तो 25 बटा 24 हो गया। अब ये यक्स चला जाएगा इधर, तो 10,000 बराबर 25 गुणा x बटा 24। अब यक्स को यहीं रहने दीजिए, बाकी चीजें इधर ले आइए, 10,000 के साथ ये गुणे में चली जाएगी 24 और बटे में आ जाएगा 25 बराबर यक्स, 25 चक्कू 100, ये हो जाएगा 400, 400 गुणे 24 तो 24 चक्कू 96 और 2 0, यक्स बराबर 9600 रुपये। यही पूछा गया था। ठीक है, पूछा गया था दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य इस तरीके से आप लोग निकाल लेंगे। इसी तरीके नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसे ही है, थोड़ा सा चेंज हो सकता है बस, नहीं बिल्कुल ऐसे ही है। सियाराम अपनी दो कारें बराबर बराबर मूल्य पर बेचता है, एक कार पर उसे 10% का लाभ तथा दूसरी पर 20% की हानि होती है। यदि वह दूसरी कार 1,21,000 रुपये में खरीदता है तो पहली कार का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, सीधे सीधे पहली कार का क्रय मूल्य, ठीक, अरे सीधे सीधे रख देते हैं, सीधे सीधे यहां पर रख देते हैं, फॉर्मूला तो आपके सामने लिखा ही है। पहली कार का क्रय मूल्य कितना है, पहली का आपका दिया नहीं गया, तो पहली का क्रय मूल्य मान लीजिए यक्स रुपये, ये मान लीजिए सही लिखा है, बराबर मान लिया यक्स। ठीक, तो पहली कार का यक्स हो गया, दूसरी कार का आपका 1,21,000 यहाँ पे दिया गया। ठीक है, दूसरी का दिया गया 1,21,000 बराबर। ठीक, पहली और फिर है 100 100, अगर दूसरी प्लस माइनस दूसरी का प्रतिशत लाभ या हानि, तो दूसरी पर प्रतिशत 20% की हानि हुई है तो माइनस में रख देंगे। ठीक है,
प्लस बटे में 100 प्लस, अब इसमें लाभ हुआ है पहली वाले में तो प्लस 10। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, x बटे 121 हजार बराबर 80/110, 0 0 कट गया। अब x इधर ही रहेगा, बाकी 121,000 उधर चला जाएगा। x की ही वैल्यू निकालनी है, 8 × 121,000 बटे में 11, 11 से 121 कट जाता है, 11 11 हमन 121, तो 3 0 11, 8 की गुणा 11,000 से करेंगे तो x बराबर 11 8 88 और 3 0 ये 88,000 रुपये। तो दूसरी जो पहली कार का क्रयमूल है वो आपका कितना हो गया, 88,000 रुपये। ठीक है, इस तरीके से आपने निकाल लिया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट टाइप इसमें देखिए, जब कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य कुछ अन्य वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो, यदि कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य कुछ अन्य वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो सौदे में प्रतिशत लाभ या हानि कैसे निकलेगा, बराबर क्रय वस्तुओं की संख्या माइनस विक्रय वस्तुओं की संख्या बटे विक्रय वस्तुओं की संख्या गुणे 100। यदि उपयुक्त तो मान धनात्मक आए तो लाभ होगा, और यदि ऋणात्मक आए तो हानि होगी। ठीक है, अगर प्लस में आंसर आएगा तो लाभ होगा और माइनस में आएगा तो हानि होगी। अब यहाँ पे देखिए, एक व्यक्ति ने जिस मूल्य पर 25 वस्तुएं क्रय की उसी मूल्य पर 18 वस्तुएं विक्रय कर दी, व्यक्ति का प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करो। ठीक है, तो लाभ या हानि बराबर, लाभ प्रतिशत लाभ या हानि, हानि बराबर क्या था, क्रय वस्तुओं की संख्या। देखिए क्रय वस्तुओं की संख्या, तो क्रय वस्तुओं की संख्या हमारी कितनी थी, क्रय की, तो 25 हमारी क्रय वस्तुओं की संख्या हो गई 25, माइनस विक्रय वस्तुओं की संख्या, माइनस विक्रय वस्तुओं की संख्या है 18 बटे में विक्रय वस्तुओं की संख्या 18 × 100। ठीक, अभी जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 25 में से 18 गए, 7/18 × 100, 2 से काट दिया, 2 × 18 ये हो जाएगा 50, तो हो जाएगा 350/9। ठीक, 350/9 हो गया, या इसको लिख सकते हैं 38 सही 8/9%। अब प्लस में आंसर आ रहा है तो लाभ होगा। ठीक है, इसमें लिखा है कि अगर उपर्युक्त मान धनात्मक आए तो लाभ, और यदि ऋणात्मक आए तो हानि होगी, तो प्रतिशत प्लस में आ रहा है तो ये लाभ होगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, रहीम ने, ठीक है, रहीम ने कुछ संतरे इस प्रकार खरीदे बेचे कि 40 संतरों का क्रय मूल्य 50 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर रहा, रहीम को कितने प्रतिशत की लाभ या हानि हुई, तो लाभ प्रतिशत लाभ या हानि बराबर। ठीक, बिल्कुल वही क्वेश्चन क्या था, बिल्कुल सेम टू सेम, क्रय वस्तुओं की संख्या माइनस विक्रय वस्तुओं की संख्या अपॉन विक्रय वस्तुओं की संख्या गुणे 100। तो क्रय वस्तुओं की संख्या, क्रय वस्तुओं की संख्या जो है हमारी वो है 40, ठीक, बट माइनस 50 हमारी विक्रय वस्तुओं की संख्या, बटे में विक्रय हमारा है 50 ही है, गुणे 100 कर लीजिए। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 40 में से 50 गए तो माइनस का 10 बचा, गुणे में 100/50। ठीक, 50 से ये काट दिए, 5 × 10, तो -10 × 2 बराबर माइनस का 20%। अब माइनस में आंसर आ रहा है, माइनस में लिखा नहीं जाता, लेकिन माइनस का मतलब होता है 20% की हानि हुई। ठीक है, इस तरीके से ये इस प्रकार का क्वेश्चन आप लगा सकते हैं, देख लीजिए एक ही लाइन में लग गया, बड़ा इजी मेथड है ये। ठीक है, हर टाइप का कम से कम 2 क्वेश्चन हम इसीलिए करा रहे हैं क्योंकि हमारे पास प्रैक्टिस का टाइम नहीं है। ठीक, कम से कम समय में और ज़्यादा से ज़्यादा बस चीज़ें आप लोग जान जाइए, और ये फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, अब देखिए इस वीडियो में ये 2 क्वेश्चन और हैं, उसके बाद जो लास्ट वीडियो है फॉर प्रॉफिट और लॉस की, वो भी देखिए उसके क्वेश्चन तैयार हो गए, बस इसको रिकॉर्ड करना बाकी है, और ये आपको मिल जाएगी शाम को। ठीक है, शाम को 7:30 बजे जो इसकी लास्ट वीडियो है। अब देखिए, जब ए रुपये में बी वस्तुएं खरीद कर बी रुपये में ए वस्तुएं बेची जाए, ठीक, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आता है, इसलिए प्रतिशत लाभ या हानि बराबर क्रय वस्तुओं की संख्या का स्क्वायर माइनस विक्रय वस्तुओं की संख्या का स्क्वायर बटे विक्रय वस्तुओं की संख्या का स्क्वायर गुणे 100। बिल्कुल पिछले वाले की तरह है, लेकिन यहाँ पर संख्याओं का स्क्वायर कर दिया गया, बस बाकी सब वही है, सेम टू सेम। तो प्रतिशत, रीता ने 10 रुपये में 15 खिलौने खरीद कर 15 रुपये में 10 खिलौने बेच दिए, बताइए उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुई, तो प्रतिशत लाभ या हानि बराबर, देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन में, क्रय वस्तुओं की संख्या का स्क्वायर, तो क्रय वस्तुओं की संख्या का स्क्वायर, क्रय वस्तुएं क्या थी, 15 वस्तुएं है ना, 15 खिलौने, तो 15 का स्क्वायर, ठीक, माइनस फिर 10 विक्रय, फिर क्या है, विक्रय वस्तुओं की संख्या, तो बेची कितने, 10 खिलौने बेच दिए, ठीक, तो 10 का स्क्वायर बटे बटे में कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर विक्रय का ही स्क्वायर गुणे 100।
अब इसको सॉल्व करेंगे तो 15 15 मन हो जाता है 225, 15 की गुणा, और माइनस 10 का स्क्वायर होता है 100, बटे में 100 गुणा 100, 100 100 पूरा पूरा कट गया, बचेगा 225 माइनस 100 बराबर 225 में से 100 गए तो 125%, यही आपका प्रतिशत प्लस में आ रहा है, तो आंसर आपका लाभ होगा। ठीक है, 125% लाभ हो रहा है इस आप उसके सौदे में पूरे, ठीक है, इस पूरे सौदे में उसको 125% का लाभ हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज का, आज की वीडियो का। इसमें देखिए, संगीता 500 कापियां 20 रुपए में 15 के भाव में खरीदी और उन्हें 15 रुपए में 20 के भाव में बेची, उसे इस सौदे में कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई। तो वही बात है, प्रतिशत लाभ या हानि बराबर 15, पहले विक्रय विक्रय कर देख लीजिए, ठीक है, कितने क्रय क्रय वस्तुओं की संख्या कितनी है, तो 15 हमारी है, क्रय वस्तुओं की संख्या 15 है, 15 का स्क्वायर माइनस विक्रय वस्तुओं की संख्या है 20, तो 20 का स्क्वायर बटे 20 का स्क्वायर गुणे 100, 15 का 225 माइनस 20 का है 400 बटे में 400 गुणा में 100, 0 0 कट गए, ठीक है, 225 में से 400 जब घटाएंगे तो बचेगा माइनस का 175 बटे में 4, ठीक, अब जब इसको भाग करेंगे तो यही आपका प्रतिशत में आंसर आएगा, लेकिन माइनस में आता नहीं है, लेकिन इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, माइनस का 43 सही 3/4%, ठीक, अब माइनस में तो लिखा नहीं जाता है, तो आंसर जो होगा वो होगा 43 सही 3/4% हानि, ठीक, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही क्वेश्चन है, अगर कोई भी आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं, जैसे आपके मन में आपको कोई भी क्वेश्चन मिलता है आप लोग हमें कमेंट में बताइए, मैं उसको बता सकूंगा तो जरूर बताऊंगा, जैसे कि आज मैंने पहले स्टार्टिंग में क्वेश्चन बताया है, किसी ने पूछा था, ठीक है, अब जो लास्ट ये वीडियो है आइए आपको शाम को 7 बजे मिल जाएगी, ठीक है, इसके अलावा विज्ञान की आपको डेली 2 वीडियोस मिलती रहेंगी, ठीक, तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।